येनवा जिला परिषद पंचायत समिति चुनाव में समीर उमब इन्होंने जीत हासिल की थी। येनवा के नागरिकों के लिए कई योजना के तहत पूरी शिद्दत से काम करने की बात उन्होंने की है। आइए डालते एक नजर। सरकार परिषद चुनाव में जो जीत क्या ऐसे शेखापुर के समीर उमक हमारे साथ में उनसे जाने चाहिए। समीर जी, ये बताइए कि चुन के आने के बाद हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन आपके लिए सबसे चैलेंजिंग काम कौन सा होगा, किस काम को आप सबसे पहले प्रायोरिटी देने वाले हो? हमको सबसे पहला काम, हमने जो आश्वासन शेतकरों को दिया, जो पांडन रस्ते का सबसे बड़ा काम है वो कास्तकार के लिए हम करेंगे। और हमारे जिले के नेते सम्मान्य अनुभव देशमुख साहब आज राज्य के गृहमंत्री हुए और उनके माध्यम से कास्तकारों को न्याय देने का प्रयास करेंगे। सबसे बड़ी आज के तारीख में जो किसान है उनको सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? किसानों को समस्या सबसे बड़ी रास्ते की है, उसके बाद में उनका जो कुछ उधर निर्वाह है, जो कुछ वो खेत में पिका रहे, उनको जो कोई भाव मिलना चाहिए वो भाव के बारे में उसका डिसीजन सरकार ले सकती है और वो करने का प्रयास सरकार करेंगे। उसके लिए जो जिस विश्वास से जिला परिषद सभागृह में हमको भेजा है, तो उस विश्वास को तड़ाने जाते हुए हम हर कास्तकार हर शेतकरी बांधव को न्याय देने का प्रयास करेंगे। तो आप थे शेखापुर के समीर उमब जी, उन्होंने बखबेर बेबा के साथ बात करते हुए ये कहा है कि ये किसानों को हर पल हर मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, बशर्ते किसानों के जो कामकाज कुछ ऐसे प्रोसेस के तौर पे जो रुके हुए हैं उनके लिए अनिल देशमुख साहब जैसे इनका पूरा सहयोग लिया जाएगा। और बल में बल अपना बल कहते हुए ये तमाम लोग जो चुन के आए देश के इन किसानों के लिए कुछ अच्छा करना चाहती है, क्योंकि कहते हैं ना कि इंडिया इज अ वास्ट एग्रीकल्चर कंट्री है। ये जो भारत देश है ये किसानों का देश है, जहाँ पे सोने की चिड़िया कभी कभार उड़ती थी, सोनी की चिड़िया आज भी उड़ सकती है, बशर्ते सरकार ने इस ओर ध्यान देना चाह रहा है। इनके जैसे जो राजनेता जो चुन के आते हैं उन्होंने भी 5 साल पूरी शिद्दत के साथ इन नागरिकों के साथ खड़ा होना चाहिए, तब कहीं शहर का और ग्रामीण इलाके का जो किसान है वो कभी आत्महत्या न करते हुए वो अपने पूरे मूलभूत मौलिक अधिकारों के साथ अपने देश का परचम लहराएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मीरा, NBC News।